हेलो यश। हेलो गाइस, डैडी हाँ मेरे को नींद नहीं आ रही, तभी सुना था ये। अच्छा, आप ही सुनोगे? जरा मैं टाइम देखूँ, 3 बज रहे हैं अभी, तो स्कूल जाने में बहुत टाइम है। बोटा है, सुना था। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी सुनाने वाला हूँ और इसे सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। चलो तो पहले कहानी सुन लेते हैं। एक धोबी था जिसका नाम था धनिया, जो बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। लोगों के कपड़े धोया करता था और सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। वह देख उसे हर समय डर लगा रहता था कि पुरानी झोपड़ी की छत से पानी ना टपक जाए और लोगों के कपड़ों पर टपका ना पड़ जाए, क्योंकि टपके का दाग आसानी से धुलता तो नहीं था। बादल देख धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है, इतना डर तो मुझे शेर से भी नहीं लगता जितना टपके का है। धोबी की यह बात शेर ने सुन ली, जो धनिया की झोपड़ी के पीछे बैठा था। और शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे भी ताकतवर लगता है, धनिया को मेरा इतना डर नहीं जितना टपके का है। उधर गांव का एक कुम्हार अपने गधे को ढूंढ रहा था। बादल की वजह से इतना अंधेरा हो गया था कि हाथ को हाथ भी ना मिले। तो कुम्हार अपने गधे को खोजता धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े आ पहुंचा और अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। तो उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है, तो कुम्हार उस पर चढ़कर एकदम से बैठ गया और उसने कान पकड़कर खींच कर बोला, चल बे गधे के बच्चे, यहां छिपा खड़ा है, तेरी ऐसी गति बनाऊं कि याद करे तू सारी उम्र। अब ये देख शेर ने सोचा कि आ गया टपका, अब खैर नहीं। वह सरपट दौड़ा। कुम्हार ने मन ही मन सोचा कि यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है, वह तो बहुत मरियल सा था, यह तो बहुत मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है। खूब हाथ लगा लगा कि देखने लगा और शेर था कि जंगल की तरफ दौड़ा ही चला जा रहा था। तभी बिजली चमकी, कुम्हार ने गौर से देखा और यह देखकर उसके होश उड़ गए कि वह गधा नहीं शेर पर बैठा है। और उधर शेर था कि तेजी से भागा चला जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। कुम्हार सोच रहा था कि आज कैसे जान बचे, कि तभी रास्ते में उसे बरगद का पेड़ दिखा और उसकी दाढ़ी जैसी जड़ें धरती पर लटक रही थी। शेर जब पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उछलकर बरगद की दाढ़ी पकड़ ली और शेर को अपनी पीठ हल्की लगी तो शेर की भी जान में जान आई और वो सोचने लगा कि टपका उसकी पीठ से उतर गया है, तो वो और जोर से भागने लगा। उधर कुम्हार सोचने लगा कि वह छिप जाए, कहीं शेर उसे खा ना ले। वो किसी तरह से बरगद के अंदर छुप छिपा कर बैठ गया और सोचने लगा कि रात यहीं काट लूं, बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता, तड़के उठकर चला जाऊंगा। उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था। टपके का भय जो बैठा हुआ था भाई साहब दिल में, आगे मिला उसे एक बंदर। अब शेर की इतनी बुरी हालत देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा कहाँ, क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो, मामा रुको। तो शेर ने कहा, भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए, मैं तो आम के टपके को बड़े चाव से खाता हूँ। तो शेर ने कहा, अरे भांजे ये वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है, मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई। तो बंदर ने जवाब दिया, मामा दिखाओ तो सही कहाँ है टपका। तो बंदर के इस बर्ताव पे शेर ने कहा, आखिर
रहोगे तो बंदर के बंदर ही ना, शरारत किए बगैर कहां मानोगे। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो शेर बंदर को लेकर बरगद की ओर चल पड़ा। कुम्हार ने सुबह होने तक वहीं इंतजार किया और जब रोशनी हुई तो देखा कि बंदर शेर के साथ चला आ रहा है। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर उसे खा जाएगा। तो वह डरकर और बरगदों की जड़ें इकट्ठे कर इसमें छुपकर बैठ गया। शेर बरगद के नीचे खड़ा रहा तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। इस कारण शेर का डर भी थोड़ा कम हो गया था और वो सोचने लगा था, अब तो रोशनी हो गई है और अगर अब टपका कहीं से आया तो मैं उसे देख लूंगा और भाग जाऊंगा। लेकिन बंदर था कि वह झटपट से बरगद पर चढ़ गया और चढ़कर टहनियां तोड़कर और पत्ते तोड़कर नीचे फेंकता और पूछता, ओ, मामा क्या ये है टपका। तो शेर ने कहा, भांजे जब टपके के काबू में आएगा ना तो तुझे क्या तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा। शेर तो बंदर उछलता कूदता वहां जाकर बैठ गया जहां कुम्हार छिपा बैठा था। तो कुम्हार ने सोचा कि अब आ गई है शामत, अब ये बंदर मुझे निकाल कर नीचे फेंक देगा और शेर मुझे खा लेगा। तो तभी कुम्हार देखता है कि बंदर की पूंछ उसके सामने पड़ी है और बंदर नीचे की तरफ देख रहा है। तो उसने सोचा कि भैया ऐसा मौका तो अब दोबारा नहीं मिलने वाला। तो कुम्हार ये मौका ना गवाते हुए बंदर की पूंछ पकड़ लेता है और जोर से दबा देता है। अब इससे डरकर बंदर उछलकर दूसरी टहनी पर जाने लगता है लेकिन वो हिल नहीं पाता। तो इधर से बंदर जोर लगाता है और दूसरी तरफ से कुम्हार, और नीचे से शेर कहता है, क्यों भांजे क्या हाल है। और यह बोलकर शेर भाग पड़ता है। अब बंदर बहुत डर जाता है और बहुत पूंछ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन इस गहमा गहमी में बंदर की पूंछ टूट जाती है और किसी तरह से वो भी बस शेर के साथ भाग खड़ा होता है और भागता भागता बोलता है, मामा तुम तो कहते थे कि यह टपका है, यह तो पूंछ खड़वा है और कड़वा आई आई। अब बंदर और शेर को भागता देख धनीराम भी पेड़ से नीचे उतर आता है और अपने घर लौट जाता है। तो बच्चों कैसी लगी कहानी, अच्छी लगी ना। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियों के साथ लौटूंगा, आप सुनते रहिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ओके टाटा बाय बाय सी यू लेटर।